राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेबल पर पनीर रखा हुआ है और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाल ली। इन्हीं चीजों से हम कुछ चटपटा और झटपट बनाएंगे। तो चलिए, टेबल पर रखी इन्हीं चीजों से हम पनीर टिक्का बनाते हैं, क्योंकि वो स्वादिष्ट भी होता है और चटपटा भी होता है। तो चलिए, सब्जियां मैंने काट ली हैं और आप सब भी देख लीजिए कि सब्जियों के अलावा मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये दो शिमला मिर्च हैं जो हमने काट ली हैं, ये दो प्याज हैं जो फाइनली चॉप्ड हैं, टमाटर की प्यूरी, दही, ग्रीन चिली, टोमेटो केचप, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो चम्मच हमने बेसन लिया है इसमें, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, धनिया, नमक स्वाद अनुसार रहेगा, लाल मिर्च, हल्दी। पनीर हमारा फाइनली कट कर लिया हमने। तो चलिए, अब किचन की ओर चलते हैं पनीर टिक्का बनाने। समान बाउल में दही डाल देंगे, फिर हम बेसन डालेंगे दही में, उसके बाद मसाले डालेंगे, गरम मसाला, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इसे अच्छे से पीसेंगे। पेटने के बाद इसमें नमक डाल देते हैं और फिर पनीर डाल देते हैं, पनीर और शिमला मिर्च। फिर इसे अच्छे से हम लाल मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च और धनिया मिक्स कर लिया। चलिए, अब से रेस्ट करेंगे। तेल मिला, गर्म होने के लिए पैन हमने गैस पे रख लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, गरम हो जाएगा तेल, फिर हम इसमें जीरा डालेंगे। गैस की फ्लेम हम तेज कर देंगे। जब जीरा ऊपर आ जाएगा तो हम प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देना है। प्याज को भूनते हुए बीच में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, चलिए अब इसमें मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जीरा पाउडर, वैसे मिक्स कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारा जो पनीर हमने फ्रिज में रखा था उसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं पहले गैस चला के पैन में। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर की प्यूरी, ग्रीन चिली, टमाटो केचप, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब हमने जो पैन चढ़ा लिया है पनीर के लिए, गोल्डन हमारा पनीर साइड ग्रेवी में उबाल आने तक इसे रखते हैं, जब तक हम अपना पनीर को गोल्डन फ्राई कर लेते हैं साइड वाले पैन में। चलिए, पैन में हमने तेल डाल दिया है, हमारी ग्रेवी में उबाल आ रहा है, तो इसमें पनीर डाल देंगे। हमने अपनी ग्रेवी में फ्राइड पनीर डाल लिया, अब इसमें हम ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल देंगे, नमक डाल ही चुके हैं, अभी इसे हम उबलने देंगे 5 से 4 मिनट। चलिए, हमारा मसाला पनीर टिक्का तैयार हो चुका है। जैसे कि पहली बार बनाया है हमने, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है अच्छा ही बना है। चलिए, पनीर मसाला टिक्का हमारा तैयार हो चुका है, मैं इसे खाता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई।